चलो भाई लोग आप लोग बजाते रहो नगाड़ा, बजाते रहो ढोलक, बजाते रहो बैंड। आज ऐसा बैंड बजाओ कि यहाँ की जनता बिल्कुल झूम उठे। बहुत ही मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, आनंद। मजा ना आए तो बता देना। देखो हमारे मोदी जी कैसे बजा रहे हैं, देखो दोनों हाथ से कुड़की लेकर बजा रहे हैं। और इधर मैंने देखो राहुल भैया कैसे बजा रहे हैं। अब यहाँ तो योगी जी हथौड़ी ही बजा रहे हैं, लेकिन बजाते रहो। जब तक बजाना, जब तक सफर पूरा पूरा ना हो जाए, यहाँ से दिल्ली तक बजाते चलना है। और हाँ, सभी लोग कृपया करके ध्यान से सुन लें, बजाना ऐसे है कि जब तक दिन रात बजाते रहो, एक साल तक बजाना ही बजाना है। अरे देखो हमें शादी, हमारी सैलरी दिलवा दो, क्योंकि हमको जाना है बिहार। इतने दिन से हम काम करते करते हो गए परेशान, हमारी सैलरी दिला दीजिए। बताओ 200 रुपये दिहाड़ी प्रतिदिन का लगा रहे हो, अब इस दिहाड़ी का कम से कम ये तो सोचो कि हमारी दिहाड़ी दिलवा दो। ये एक साल तक तो हम नहीं बजा पाएंगे। अरे थोड़े बहुत दिन होते तो मैं बजा लेता हूँ। इसके लिए मैं तुम्हें बताए दे रहा हूँ, यहाँ पे अब ऐसी भाई को मेरे ले जाओ और इनसे बजवाते रहो। ये तो कभी भी बजाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। राहुल और अवेशी ये तो खाली है सालों साल। तुमसे किसने कह दिया, किसने कह दिया कि मैं खाली हूँ? मैं कभी खाली नहीं हूँ। देखो मैं खाली क्यों हूँ, मेरी भी सैलरी अटकी हुई है 3 साल की, और 3 साल की तुमको तो कम से कम 200 रुपये दिहाड़ी पे रखा था, हमको तो 100 रुपये रे रखा था, वही हिसाब पूरा नहीं कर पाए। अमित शाह जी आपसे मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमारी दिहाड़ी पूरी की पूरी दे दिया जाए। मैं बहुत तंग आ चुका हूँ, बहुत ही परेशान हो चुका हूँ, हमारे पास भी खर्चे हैं। मैं तो एक साल अब नहीं बजाऊँगा, क्योंकि आप तो बिल्कुल फ्री में बजवा रहे हैं। राहुल से बजवाओ उनसे। भैया देखो देखो भैया, मुझे तो भैया दिहाड़ी मिल रही है, मुझे तो 5 साल बजवा लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें और मोदी जी को सैलरी टाइम पे मिल रही है, इसलिए हम लोग काम करते रहे, कोई दिक्कत नहीं। योगी जी को भी टाइम से मिल रही है, तुम करो या मत करो, कोई हमें इससे दिक्कत नहीं है। भाई लोग वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब। अरे अखिलेश भैया ये बताओ, तुम यहाँ पे जहाँ देखो वहाँ पे तुम कैंपिंग टेंट लगा लेते हो, तुम्हें कोई कभी पुलिस वुलिस रोकती नहीं है क्या? हमको भी साथ में ले आते हो। अब बताओ यहाँ पे कोई परमिशन नहीं लिया, जहाँ मर्जी वहाँ पे तुम अपनी बोरी बिस्तरा लगा लेते हो, ये थोड़ी होता है। हमको कभी कभी तुम्हारे साथ डर लगने लगता है कि तुम्हारे साथ हम कभी घूमने निकले घर से या ना निकले। अब बताओ इस कैंपिंग टेंट में तुम अकेले लेटते हो, हम लोग तो इधर बैठे बैठे ऊपर के तारे गिनते रहते हैं। अरे हमको भी अंदर कर लो, अगर तुमको कुछ पुलिस नहीं कह रही तो हम भी तीनों लेकर अंदर ही बैठेंगे, ठंडक बहुत बढ़ रही है भैया। अरे देखो राहुल भैया, हमारा तो सिक्का चलता रहता है सब कहीं पे, हमको पुलिस क्या कोई भी नहीं रोक सकता, हमको नहीं रोकते हैं कोई भी, क्योंकि मैं कहीं भी लगा लेता हूँ टेंट, क्योंकि जब मेरा घर नहीं यहाँ पे तो टेंट भी नहीं लगा सकता हूँ क्या। तुम डरो, मैं नहीं डरता हूँ, क्यों रोकेंगे भला पुलिस वाले यहाँ पे लगाने से, यहाँ पे कौन सा दिक्कत है। मैं तो लगा करके यहीं पे 4 दिन लेटूंगा आराम से, तब मैं जाऊंगा घर पे। अब इतना अच्छा मौसम है जम्मू कश्मीर का, अब मैं जम्मू में आया हूँ, इतने सारे बर्फ गिर रहे हैं, तो कहाँ चला जाऊँ, तुम बताओ। बड़बड़ाते रहते हो हमेशा, ऐसा करो चुप रहो तुम, कभी पुलिस वाले हम लोगों को देख ही नहीं सकते। अरे राहुल ये तो पुलिस आ गए मोदी जी। अरे मोदी साहब जी नमस्कार, क्या हाल चाल है, कहाँ घूम रहे उधर? अरे अखिलेश तुम यहाँ पे टेंट क्यों लगा रखे हो, यहाँ पे टेंट क्यों लगा रखे हो, यहाँ पे कोई तौर तरीका है क्या? जहाँ मर्जी जहाँ पे तुम अपना टेंट लगा के बैठ जाते हो, हम लोगों को बातें सुननी पड़ती है। ऐसा करो कि अपना टेंट उठाओ और कहीं दूसरी जगह लगाओ, यहाँ पे मना है कि यहाँ पे कोई टेंट नहीं लगा सकता, जिसका भी बगीचा है तुम कहीं भी लगा लेते हो। अरे पहाड़ों पर घूमने आए हो तो ऐसा मत करो कि तुम्हें कोई परेशान करे, ऐसा करो अपना टेंट और बोरी बिस्तरा उठाओ। चलो राहुल तुम भी उठाओ अपन बोरी बिस्तरा, फटाफट यहाँ से निकल लो, नहीं तो यहाँ पे चलान और जुर्माना बहुत ज्यादा पड़ता है। भाई लोग वीडियो लाइक करो, चैनल से